जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माता का अविवाहित स्वरूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कई हजार वर्षों तक ब्रह्मचारी रहकर घोर तपस्या की थी। माता की इस तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक और भाग्य की दाता है। माता भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करती हैं। अब चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले माता को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। माँ को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। माँ को सफ़ेद फूल अर्पित करें या फिर आप कमल का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से दीर्घायु का आशीष मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन जरूर अर्पित करें। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा का पाठ करें, फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। स्क्रीन पर लिखे हुए माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा मंत्र और बीज मंत्र का जाप करें। मिलेंगे कल नवरात्रि के तीसरे दिन। मिलने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल, बने रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।